अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लोफी क्रिएटिव सोल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए हम अपनी आज की जो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएचपी का इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट। व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो बिफोर यू कंटिन्यू, यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग: एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। यानी आपको पीएचपी सीखने से पहले इन तीन लैंग्वेज का आना जरूरी है, यानी एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल, सीएसएस तो ज़्यादा ज़रूरी है, जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आपको सीख लेनी चाहिए, ऑप्शनल है वैसे ये, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और जो पीएचपी है ये मिलके बहुत अच्छा काम जो है परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट मूव करती हैं। नेक्स्ट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो हमारी वेब के लिए, वेब के अंदर यूज होती हैं, वो दो तरह की हैं: क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट। सबसे पहले हम आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के बारे में बताते हैं। हमारी वेब का कोई रजिस्टर है, वो अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर वेब की रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, और सर्वर इसको रिस्पॉन्स में एचटीएमएल, सीएसएस और सर्वर साइड स्क्रिप्ट की पूरी फाइल जो है वो प्रोवाइड कराता है। पहले आके जो क्लाइंट साइड सारे ब्राउजर में लोड होता है, इसके बाद रन होता है, और जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है इसमें जब वेब का रजिस्टर कुछ रिक्वेस्ट करता है सर्वर से वेबसाइट की, इस वेबसाइट पे जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट लगी होती है, तो वो इसको प्रोवाइड नहीं कराएगा, वो सर्वर में ही रन होगा और कंप्यूटर स्क्रीन को जो है आउटपुट एचटीएमएल में देगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, मतलब इसमें जो सर्वर पर ये चलाएगा, ये जो आगे है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जो है वो दो लैंग्वेज यूज होती हैं, एक है वीबी स्क्रिप्ट और दूसरी है जावा स्क्रिप्ट। और जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है इसमें जो लैंग्वेज यूज होती हैं वो है पीएचपी, .NET, पाइथन और भी होंगी, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पीएचपी। पीएचपी क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। आगे है व्हाट इज पीएचपी, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जो पीएचपी है वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के लिए स्टैंड करता है। सिंटैक्स इज ब्रॉड फ्रॉम सी एंड जावा। जावा और सी से इसका जो सिंटैक्स है वो लिया गया है। क्रिएट डायनामिक वेबसाइट विद डेटाबेस। तो डायनेमिक वेबसाइट का मतलब है अगर आपको फाइल में कुछ चेंज करना है तो आपको पूरा कोड जो है वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मतलब जो स्टैटिक, दो तरह की होती है वेबसाइट, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। जो स्टैटिक है इसमें आपको जाके पूरा कोड चेंज करना पड़ता है, या पूरा नहीं आपने कुछ एडिट करना तो आपको वहां से जाके कोड में चेंजिंग करनी पड़ती है। जबकि जो डायनेमिक है इसमें आप एक एडमिन पैनल होता है, आप उसी में जाके चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं आप, और जो कोड वगैरह है उसको चेंज नहीं करना पड़ता। और एक डायनेमिक ये भी होता है कि आप जिसमें जो यूजर है वो खुद से इंटरेक्ट कर सके, जैसे कि फेसबुक है, इसमें यूजर भी इंटरेक्ट करता है, पोस्ट वगैरह करता है, और जो वेबसाइट डेवलपर है उसकी तरफ से भी एक वेबसाइट डेवलप है तो यूजर भी इंटरेक्ट कर सकता है, इसको भी हम डायनेमिक कहेंगे। और आगे है पीएचपी स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। यानी जो पीएचपी स्क्रिप्ट्स हैं ये सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो ऑनलाइन चलने वाला हो तो आप पीएचपी को यूज करके वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मूव, व्हाट इज द पीएचपी फाइल। पीएचपी फाइल कैन कंटेन टेक्स्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या पीएचपी कोड। मतलब ये टेक्स्ट, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पीएचपी कोड पे मतलब इसमें शामिल है जो भी है। पीएचपी कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज प्लेन एचटीएमएल। मतलब ये सर्वर पे रन होती है और आउटपुट देती, ब्राउजर में आउटपुट देती है। पीएचपी फाइल है एक्सटेंशन .php, इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है जो वो है .php। नेक्स्ट मूव, व्हाई वी लर्न पीएचपी, ईज ऑफ यूज एंड लर्न। ये यूज में इजी है और
लर्न भी इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोडिंग वगैरह करना और पूरा वो नहीं है। इसमें एक ही एडमिन पैनल होगा और उसमें जाके हम इजीली इसको यूज और लर्न इजीली यूज कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी मीन ओपन सोर्स, तो ये कॉस्ट एफिशिएंसी में भी बेस्ट है। डॉटनेट से हम इसको कंपेयर करें तो वो पेड है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, इसलिए इसमें भी बेस्ट है। आगे है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपने सी में और जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखी होगी। अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मतलब एक वेबसाइट बनानी है हमने, वो बड़ी है, तो उसके लिए हमें जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करके छोटा कर सकते हैं। आगे है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। तो ये है कि पीएचपी की जो डेवलपमेंट है वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क विल ऑल सर्वर्स अपाचे एंड आईआईएस। तो ये जो अपाचे और आईआईएस और भी कई सर्वर्स हैं जिनके साथ जिन पे पीएचपी जो सर्वर है वो इसको सपोर्ट करते हैं। देन है सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी का बहुत अच्छे तरीके से इसको सिक्योरिटी को मैनेज किया गया है। देन है ह्यूज कम्युनिटी। तो मार्केट में 30% से अबव जो लोग अबव जो कम्युनिटी है वो इस जो पीएचपी को यूज करके वेबसाइट डेवलप कर रही है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं यूजेस ऑफ पीएचपी इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में जो पीएचपी के यूज हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सीएमएस, एमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो सीएमएस क्या, एमएस क्या है, जिसमें एक एडमिन पैनल होता है, एक फ्रंट एंड होता है। आप एडमिन पैनल में लॉगिन करके जितने मर्जी जो पेज है वो क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं, और अगर आप किसी एग्जिस्टिंग पेज को एडिट वगैरह करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं विदाउट एचटीएमएल और CSS यूज करके। तो मतलब एक एडमिन पैनल होगा, आप उसमें जाके इजीली वर्क कर सकते हैं, आप कोड वगैरह लिखने ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ऐसी वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं जिसमें सेल या परचेज वगैरह का कोई काम हो, जैसे अमेजोन है, तो आप इसको यूज करके पीएचपी को यूज करके ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स वगैरह है उनको बना सकते हैं। मेल सर्वर, इसमें आप मेल के लिए अगर कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, जैसा कि जीमेल है, याहू मेल है, ऐसे कोई बनाना चाहते हैं तो आप बना। चैटिंग सिस्टम, चैटिंग के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। फाइल स्टोरेज सिस्टम, तो फाइल स्टोरेज जैसे आप कोई इस टाइप की वेबसाइट बनाते हैं जहाँ बैकअप रखना चाहते हैं, या कुछ ऐसी इमेजेस वगैरह या कुछ भी ऐसा रखना चाहते हैं तो आपको स्टोरेज की ज़रूरत पड़े तो आप पीएचपी के थ्रू वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर ने कुछ सेल किया है तो आप उसके बारे में रिपोर्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप सीआरएम की जो वेबसाइट है वो भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, कि मतलब आपने रिपोर्ट वगैरह बनानी है और भी उसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी देनी जो भी करना है तो वो भी आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नाउ मूव नेक्स्ट, पॉपुलर वेबसाइट जो है दुनिया में जो पीएचपी को यूज़ कर रही हैं, तो उनमें सबसे पहले फेसबुक है, जो सोशल नेटवर्किंग की सबसे बड़ी वेबसाइट है फेसबुक है, वो पीएचपी को यूज़ कर रही है। आगे है याहू। तो याहू जो है ये गूगल से भी, जो क्रोम से भी पहले जो सर्च इंजन आया है, जो उससे भी पहले आया था याहू, तो ये भी पीएचपी को यूज़ करता है। विकिपीडिया जो है ये हिस्ट्री को सर्च करना है, एक इंसाइक्लोपीडिया जो है वेबसाइट है, आपने हिस्ट्री सर्च करनी है किसी की और किसी पॉपुलर पर्सनालिटी को सर्च करना है तो आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। वर्डप्रेस सीएमएस सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही अच्छा है। और आगे है फ्लिकर है, फ्लिपकार्ट भी ई कॉमर्स की जो है वेबसाइट है, ये भी इसी में डेवलप हुई है पीएचपी को यूज़ करके। आगे है मेल चीम, तो ये ईमेल मार्केटिंग की जो है ये
बीएसडी को यूज करके वेबसाइट डेवलप हुई है। ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, ये इसी को पीएचपी को यूज करके डेवलप हुई हैं। नाउ नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर पीएचपी। पीएचपी के लिए कौन कौन से जो रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहले है एचटीएमएल, एचटीएमएल के जो है एडिटर्स हैं, और नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एचटीएमएल एडिटर्स में हम आपको आगे बताते हैं कौन से एडिटर हैं। वेब ब्राउजर जैसे कि फायरफॉक्स है, क्रोम है, और सफारी है, इनमें से आप कोई वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं। आगे जो सर्वर हैं, जिन सर्वर को आपने यूज करना है वो है वैम और जैम, ये आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिटर फॉर पीएचपी। पीएचपी के लिए कौन से एडिटर हैं, जो हमने पीछे आपको एचटीएमएल एडिटर बताए, उनमें नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, वीएस कोड है, सबलाइन, अटॉम और पीएचपी शॉम, ये सारे जो एडिटर हैं ये हम इसमें पीएचपी में यूज कर सकते हैं। तो आज के जो वीडियो है इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया पीएचपी का, क्या है पीएचपी, क्यों यूज करते हैं, कौन से एडिटर, और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इंस्टॉल करने का तरीका बताएंगे, जैम को इंस्टॉल करने का, और सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो आपको, आप आज की वीडियो में कोई क्वेश्चन हो या वैसे कोई बात हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।